राम राम साथियों, मेरा नाम उमेश महेश्वरी है। मैं लोकमान्य तिलक स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित चैंपियन स्पोर्ट्स एकेडमी का प्रशिक्षक भी हूँ और अध्यक्ष भी हूँ। शाहपुर क्षेत्र के जो गांव है, जो कस्बे है, वहाँ के बालक और बालिकाओं के लिए हमने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया है, जिसे हम समर कैंप के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो आयु वर्ग है वो है 4 साल से लेकर 22 साल, 25 साल तक कोई भी युवा या युवती इस कैंप में आप प्रशिक्षण ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास एक पैम्पलेट है जो कि हमने बहुत सारे स्कूलों में इस पैम्पलेट के माध्यम से समर कैंप का प्रचार प्रसार किया है। तो यदि आपको इस पैम्पलेट को पढ़ना है तो आप हमारे संपर्क, हमने जो नीचे संपर्क दिया है उस पर आप कॉल करके हमसे ही जानकारी ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें हमने 6 खेलों को महत्व दिया है, जिसमें पहला है सेल्फ डिफेंस या कराटे, जिसके लिए प्रशिक्षक की व्यवस्था भी हमने अलग से करके रखी है। दूसरा है कबड्डी, कबड्डी के प्रशिक्षक गर्ल्स के लिए गर्ल्स, बॉयज के लिए बॉयज भी है। एथलेटिक्स में जैसे कि आपको पता है कि इवेंट गेम होते हैं, थ्रोविंग गेम होते हैं, उसके बाद जंपिंग गेम होते हैं। तो इवेंट गेम में जैसे कि अपना 100 मीटर होता है, 200 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर, बहुत सारे इवेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आप देख सकते हो बैडमिंटन के लिए भी हमारे पास एक अलग से कोर्ट बना हुआ है, वॉलीबॉल के लिए भी हमारे पास एक अलग से कोर्ट है जहाँ पे इन सभी के प्रशिक्षक अलग अलग है, शूटिंग के लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। तो इन 6 खेलों का प्रशिक्षण हम इस कैंप के माध्यम से सभी को देंगे, जिसमें हमने जैसे कि आप हमने कुछ विशेषताएं समर कैंप के माध्यम से यहाँ दी हुई है, जिसमें बालक और बालिकाओं के लिए अलग से प्रशिक्षक की व्यवस्था की गई है। उसके पश्चात कैंप के दौरान हम किट की भी हमने व्यवस्था की है। उसके बाद समय समय पर हमने रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था की है। उसके बाद जब कैंप खत्म हो जाएगा, 1 महीने का ये कैंप है, जब कैंप खत्म हो जाएगा तो इसमें हम सहभागिता प्रमाण पत्र भी देंगे। उसके बाद कुछ स्टेट और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट द्वारा कुछ सेशनों के माध्यमों से ट्रेनिंग भी मिलेगी। उसके पश्चात समर कैंप के दौरान हमने कुछ प्रतियोगिता भी हम आयोजित करेंगे, जिसमें कैंप के तो खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन इस आसपास के इस जिले के सारे खिलाड़ी भी उस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। उसके पश्चात हम खिलाड़ियों को इस कैंप के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने चाहिए, सारा डाइट प्लान भी हम कैंप के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को देंगे। इस कैंप का आयोजन हमने 20 अप्रैल से 5 जून तक किया है, जिसमें कि एक निश्चित निश्चित समय और दिनांक को चुनकर इस कैंप का हम समापन करेंगे, जिसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके पश्चात साथ ही आप सोच रहे होंगे कि इस कैंप में इतनी सुविधाएं हैं, ठीक है, इतनी सारी चीजें मिल रही है, तो क्या ये कैंप निःशुल्क है? नहीं साथियों, ये कैंप निःशुल्क नहीं है। इस समर कैंप का भी एक शुल्क हमने निर्धारित किया है, जिसमें आप यदि मतलब सामान्य वर्ग में हो, एक कॉमन पर्सन हो, तो आपके लिए 1500 रुपये का बहुत ही कम शुल्क है। इस कम शुल्क में हम इतनी सारी सुविधा आपको दे रहे हैं, और इसके बावजूद जो बीपीएल कार्ड धारी है, जो असहाय है, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए हमने सिर्फ 1200 रुपये रखा है। तो साथियों, आजकल जैसे कि जो बच्चे होते हैं गर्मियों की छुट्टियों में बहुत अलग अलग जगह वो जाने का प्लान बनाते हैं, कोई मामा के यहाँ जाने का प्लान करता है, कहीं कोई टूर पे जाने का प्लान करता है। तो साथियों, ये जो जो समय मिलता है छुट्टियों का बच्चों के लिए, ये घूमने के लिए नहीं होता है। इसमें आप कुछ नई कला या नए कौशल को सीख सके, इसलिए समय आपको मिलता है, जिसमें आपको एक अपने आप में एक नई नई कौशल को सीखकर, नई कला को सीखकर हमें जीवन में आगे बढ़ना होता है। तो इस 2 महीने में आप एक पूरे साल भर तो आप पढ़ाई के एक एटमोस्फियर में होते ही हो,
मानसिक तनाव, मानसिक प्रेशर जो आप पर होता है, उस प्रेशर को दूर करने के लिए ही इस कैंप का आयोजन किया गया है कि इस 2 महीने में आप शारीरिक तौर पर अपने आप को मजबूत बनाओ और आगे, वो बोलते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसी के लिए मतलब आज के ऐसे 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 माहौल में कि ऐसा खान पान बच्चों को मिल रहा है कि जिससे तरह तरह की बीमारियों के बच्चे शिकार हो रहे हैं, या तो फिर ऐसी व्यवस्था उनके लिए होती है कि जिन व्यवस्थाओं के कारण वो अपने आप को बहुत ही कमजोर फील करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कैंप के माध्यम से आपके बच्चों को हम एक शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पर एक अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी इस कैंप के बारे में थोड़ा सोचे, विचार करें और जल्द से जल्द आपके बच्चों को आप इस शिविर में एडमिशन कराएं। इस शिविर का लाभ लेने से ना चूके, पहली बार बहुत बड़े स्तर पे हमारे संस्था ने, हमारे एकेडमी ने इस कैंप का आयोजन किया है, जिससे आपके बच्चों का हम शारीरिक विकास विकास करने में, जो हमारे प्रशिक्षक बाहर से आने वाले हैं, वो बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। इसमें आपके जो बच्चे हैं, यदि आप समर कैंप में उन्हें नहीं भेजते हो सकता है कि वो मोबाइल के शिकार बने, वो किसी एक ऐसे गेम के आदि बने जिस गेम को वो अपने जीवन में गलत इस्तेमाल करे, या हो सकता है वो टेलीविजन के शिकार बने, टीवी के शिकार बने। तो आपके बच्चे टीवी या मोबाइल न देखे, उनको ऐसी आदतें न लगे, उनका जीवन विकास हो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, इसलिए आप जल्द से जल्द उनका पंजीयन कराएं, हमारे कैंप में जल्द से जल्द उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। और 20 तारीख से हमारा कैंप शुरू हो रहा है, और जो भी आपको लगता है, अगर यदि तुम्हें और कोई सटीक जानकारी चाहिए, तो हमने बहुत से जगह ऐसे पेम्पलेट भी चिपकाए हैं, और यदि आपको इसका पंजीयन अभी कराना है तो आप हमारे एक चैंपियन स्पोर्ट्स पॉइंट शाहपुर में ही हमारा एक स्पोर्ट्स का शॉप है, वहां पर आकर इसका पंजीयन करा सकते हैं। और हमने इस शाहपुर क्षेत्र में जगह जगह पे बैनर भी लगाए हैं, वहां से आप हमारा संपर्क नंबर लेकर आप हमसे कॉल कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।